कभी कभार किसी को कोई चीज फ्री में या किस्मत से या बिना मेहनत के मिल जाती है तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता, बाद में वो उसे गवा देता है और फिर पछताता है। उसी में से एक चीज है पैसा, जिसे अगर आप मेहनत से कमाओगे तभी आप उसकी कीमत समझ पाओगे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2002 में एक 19 साल के कूड़ा उठाने वाले लड़के की 80 करोड़ रुपयों की लॉटरी लग गई। अब किस्मत तो खुल गई थी, लेकिन वो इन पैसों को संभाल नहीं पाया, उसकी कीमत को समझ नहीं पाया और उसने ये सारा पैसा जुए में, नशे में और ऐशो आराम में गवा दिया। और बाद में वही लड़का फिर से कूड़ा उठाने लगा। अब यहां पर सीखने लायक बात क्या है जानते हैं? यहां पर सीखने लायक बात यह है कि पैसा आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को संभालना और उसे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यह सलाह कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यह बात है सन 2011 की, जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में एक टेस्ट मैच चल रहा था, जिसकी दूसरी पारी में इयान बेल 137 रन बनाकर क्रीज पर मजबूती से टिके हुए थे। इतने में इशांत की एक बॉल को मॉर्गन ने बाउंड्री की तरफ भेज दिया। इयान बेल को लगा कि वो बाउंड्री हो चुकी है और इसी वजह से वो क्रीज में वापस लौटे नहीं। जब बॉल वापस आई तो एक इंडियन खिलाड़ी ने उन्हें रन आउट कर दिया और थर्ड अंपायर ने भी माना कि ये रन आउट है, लेकिन फिर भी तब कप्तानी कर रहे एमएस धोनी ने अपने रन आउट की अपील को वापस ले लिया और इयान बेल वापस से क्रीज पर आए और अपनी बैटिंग की। गाइज, एमएसडी की स्पिरिट को देखते हुए आईसीसी ने 2020 में एमएसडी को आईसीसी क्रिकेट ऑफ द स्पिरिट अवार्ड से नवाजा। गाइज, आपको एमएसडी की स्पिरिट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कल इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड की सर जमीन पर लॉर्ड्स के मैदान में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन इस मैच का क्लाइमेक्स क्या था? देखिए, केएल राहुल या फिर रोहित शर्मा की बैटिंग या फिर ईशांत, शमी, सिराज और बुमराह की बॉलिंग, ये सारे फैक्टर्स तो थे ही, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर था शमी और बुमराह के बीच की अनबीटन पार्टनरशिप, जो कि 9वें विकेट के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। दोनों ने मिलकर 89 रन जोड़े और एक भी विकेट गवाया नहीं। अंगद के पैर की तरह क्रीज पर जम गए। शमी ने तो अर्धशतक ठोक डाला। अगर वहां पर एक भी खिलाड़ी आउट हो जाता तो इंडिया बहुत जल्दी ऑल आउट हो जाती और इंग्लैंड पे इतना प्रेशर नहीं बन पाता। यही इस मैच की सबसे बड़ी वजह थी जहां पर इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच को जीता। गाइज, आपका इस जीत के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और कभी कभार किसी चीज में एक्स्ट्रा दिमाग लगाने पर कुछ एक्स्ट्रा ही फायदा हो जाता है। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो साइकोलॉजिकल हैक्स बताता हूं जिससे शायद फ्यूचर में आपको फायदा हो जाए। नंबर वन, अगर आपको किसी से कोई चीज चाहिए तो बजाय रिक्वेस्ट करने के वो चीज आप उससे कोई ऑफर बना के मांगोगे तो वो चीज आपको जल्दी मिलेगी। नंबर टू, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो एक चीज हमेशा याद रखना, लोग हमेशा जो पहले और जो लास्ट में होता है उसे याद रखते हैं, लेकिन जो बीच में होता है उसे अक्सर याद नहीं रखते। इसलिए जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो तो आप कोशिश करो या तो पहले जाने की या सबसे लास्ट में जाने की, आपको जरूर फायदा होगा। ये साइकोलॉजिकल हैक्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।